ओके बेटा, कह रहे वी यूज इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टेमारिंड, कॉमन साल्ट, सुगर एंड विनेगर. यस बेटा, बहुत सारे फूड आइटम्स हम इस सबका यूज करते रहते हैं अपने दैनिक जीवन में. इन्होंने बताया जैसे आप नींबू, इमली, कॉमन साल्ट मीन साधारण नमक, और शुगर मीन्स क्या होता है बेटा, चीनी, एंड विनेगर मीन्स सिरका. इन सब का यूज आप अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं. डू दे हैव द सेम टेस्ट? कह रहे हैं क्या सबका एक जैसा टेस्ट होता है? ऐसा होता है क्या इन सबका टेस्ट एक जैसा होता है? नहीं, एक जैसा टेस्ट नहीं होता है. ये डिफरेंट टेस्ट को शो करते हैं और इनके टेस्ट भी अलग अलग होते हैं. करेक्ट. लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1. इफ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दीज सब्सटेंसेस, टेस्ट इट नाउ एंड इंटर द रिजल्ट इन टेबल 5.1. बेटा कह रहे हैं अब चलिए हम आपको कुछ आइटम्स के आपने टेस्ट किए होंगे उनको ध्यान कीजिए किस प्रकार का टेस्ट उनका होता है. अगर आपने उनको टेस्ट नहीं किया, इसमें से कुछ आइटम्स को टेस्ट नहीं किया है, तो उनको अभी टेस्ट करके चेक कीजिए उनका टेस्ट कैसा होता है. टेस्ट कैसा होता है, या तो सोर होगा, या तो बिटर होगा, या तो कैसा होगा, सॉल्टी होगा, है ना, और स्वीट्स होगा, कोई एक मीठा होगा, खट्टा होगा, कड़वा होगा, या तो नमकीन होगा, है ना, यही तो हो सकता है. यहाँ पे सावधानियां बता रहे हैं कुछ क्या करना है आपको. डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो. ऐसे किसी चीज का टेस्ट मत करिएगा जब तक आपको बोला ना जाए कि इसका टेस्ट कीजिए, नहीं वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है ना. यस सर. कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आप ना जानते हो उसके बारे में और उसको टेस्ट कर लें तो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, नुकसान कर सकता है आपको. इसलिए ऐसे किसी भी आइटम्स को टेस्ट करने के लिए पहले उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, है ना, अपने बड़ों अपने से बड़ों से उसके बारे में पूछ लीजिए, यानी आप जस्टिफाई करके देन उसको टेस्ट करेंगे. ठीक है? यस सर. यस. हाँ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज यहाँ पे टेबल, डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो. ऐसे किसी भी चीज को मत छुइएगा जब तक आपसे बोला ना जाए कि इसको मतलब टच कीजिए या इसको आप टेस्ट कीजिए. हो सकता है टेस्ट करने भी प्रॉब्लम हो जाए, है ना, कुछ केमिकलाइज और कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं जो आप टेस्ट करें या टच करें तो भी आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, है ना. यस सर. नाउ टेबल 5.1, इसमें क्या करना है आपको, फिल करना है इनके टेस्ट. ये सब्सटेंसेस गिवन है, इनके जो टेस्ट होते हैं सोर, बिटर और एनी अदर, यानी खट्टा, कड़वा या कोई और भी टेस्ट होता है, तो उनके टेस्ट जिस भी टाइप के टेस्ट होते हैं इनके स्वाद, टेस्ट मीन्स क्या होता है बेटा, स्वाद, जैसे आप खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा, कुछ भी, कड़वा, है ना, जो भी टेस्ट आप करते हैं मतलब इन सब्सटेंसेस के टेस्ट पाए हैं आफ्टर ईटिंग, ठीक है, आफ्टर टेस्ट, तो उनको आपको यहाँ पे राइट करना है. चलिए ठीक है. फर्स्ट वन इज लेमन जूस. बेटा लेमन जूस कैसा होता है आप जानते हो, इसका टेस्ट लिए भी होंगे आप लोग. कैसा होता है लेमन जूस? नींबू का रस कैसा होगा? खट्टा ही होता है ना, सोर. तो यहाँ पे राइट क्या करेंगे, सोर टेस्ट. ठीक है, इसका कैसा होता है टेस्ट? सोर होता है, मीन्स खट्टा होता है, है ना. बात आती है ऑरेंज जूस. ऑरेंज जूस का भी टेस्ट कैसा होगा? वॉइस प्रॉपर नहीं जा रही है क्या मेरी? अब से एक मुस्कान सर, बस बस क्या रही है, इसी से कनेक्ट है मैम, काम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है. बेटा वॉइस क्लियर हो रही है थोड़ा बहुत? अब अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, पा रही है क्या? आ रही है सर, क्लियर आ रही है. ओके, इसमें इन्होंने ऑरेंज जूस की बात किया. ऑरेंज जूस में बेटा कह रहे हैं आप इसका भी टेस्ट करते हैं तो इसका सोर टेस्ट होता है. कैसा होता है? सोर टेस्ट, मीन्स खट्टा ही होता है ना, ऑरेंज जूस की बात करते हैं तो. Am I right or wrong? विनेगर, नेक्स्ट वन इज विनेगर. बेटा विनेगर का टेस्ट कैसा होता है सिरके का? सिरका कैसा टेस्ट देता है? सावर.
सौर होता है, इसका भी टेस्ट सौर ही होता है बेटा, खट्टा ही होता है ये भी, है ना? Yes, sir. खट्टा ही होता है. नाउ कर्ड, नेक्स्ट वन इज कर्ड. इसकी भी टेस्ट की बात कर लें तो कर्ड भी कैसा होता है? कर्ड की बात कर लें तो सौर टेस्ट ही होता है इसका भी. और बिटर कैसा होता है इसका टेस्ट? सौर और बिटर कैसा टेस्ट होता है? सॉरी होता है ना, खट्टा ही तो होता है. इसमें लिखा है मैसेज में 100% यूज. अभी तो फिर से ज्वाइन कर गए बच्चे. इसमें 100% लिखिए अलर्ट, 100% यू हैव यूज. बेटा मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? यस सर. यस सर. इंटरनेट कनेक्शन इज इनस्टेबल. मेरा ऊपर ही चलना पड़ेगा क्या? ऊपर लेके चलना पड़ेगा क्या? जुड़ गए हैं, जुड़ गए. फिर बच्चे जुड़ तो रहे हैं लेकिन फिर यही प्रॉब्लम हो जाती है. बेटा वॉइस प्रॉपर जा रही ना मेरी? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अब से एक अनुराग कर. यस सर. ओके बेटा, इसमें आपसे डिस्कस किया जा रहा था. इन सब्सटेंसेस के टेस्ट की बात की जा रही थी जिसमें लेमन जूस का सॉर टेस्ट होता है. ऑरेंज जूस की बात करते हैं तो इसका भी सॉर टेस्ट ही होता है. विनेगर, विनेगर का बेटा बिटर होता है और सॉर होता है. थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें. बिटर टेस्ट होता है मेरे हिसाब से विनेगर, सिरके का खट्टा होता है. खट्टा भी कर्च मारता है थोड़ा सा बाद में उसका है. नहीं यहाँ पे दिया गया विनेगर को इसमें. बेटा बिटर, बिटर आप विनेगर को बिटर टेस्ट में रखेंगे बिकॉज ये बेसिक होता है जो, ठीक है? जो विनेगर होता है वो कैसा होता है? बेसिक नेचर्स का होता है ना? क्यों आपसे मुस्कान, आपसे करेक्ट है ना? आपका विनेगर जो होता है बेसिक नेचर्स का होता है. बेसिक मतलब क्षारीय प्रकृति का होता है. तो और क्षारीय प्रकृति की जितनी चीजें होती है वो बिटर टेस्ट की होती है, ठीक है? कड़वा होता है. बात आती कर्ड की, कर्ड भी आपका बिटर टेस्ट का ही होता है. खट्टा होता है बट खट्टे से संबंधित मतलब जो बाद में टेस्ट जस कड़वा टेस्ट आता है ना उसकी बात कर रहे हैं, होता है ना? ये भी आपका बिटर ही होगा और सोर होगा. चलिए ठीक है, कंफर्म कर लेंगे अभी. टैमारिन ये तो कंफर्म है सोर टेस्ट होता है, आपने इसको टेस्ट भी किया है, ठीक है? सुगर स्वीट टेस्ट होता है. सुगर का कैसा होता है? स्वीट. नाउ कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट की बात करते हैं तो ये कैसा टेस्ट होता है? साधारण नमक तो बात साल्टी होता है. आमला, आमला का टेस्ट कैसा होता है बेटा? बिटर होता है. आमला का टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है.
आपने खाने के बाद इसको टेस्ट किया होगा तो थोड़ा सा बिटर कड़वा लगता है ना, कर्स देता है। बेकिंग सोडा बेटा, ये भी बेकिंग सोडा जो भी होता है ये भी आपका बिटर टेस्ट का होता है, ठीक है। सोडे को आपने कभी टेस्ट किया होगा, बेकिंग सोडा को, तो ये भी बिटर टेस्ट देता है, कड़वा। ग्रेप्स, ग्रेप्स भी बेटा एसिडिक होता है, टेस्ट कैसा होता है इसका, खट्टा ही होता है, सॉर टेस्ट होता है, ठीक है। यस सर। अनराइप मैंगो, कच्चा आम, अनराइप मतलब जो पका ना हो, ऐसे आम की बात कर रहे हैं तो कच्चा ही तो होगा जो पका ना हो, तो कैसा होता है इसका टेस्ट बताइए आप लोग, बोलते क्यों नहीं जी, सॉर टेस्ट होता है ना, मेरी वॉइस प्रॉपर जा रही है कि नहीं सर। ओके बेटा, इसमें इन्होंने बात किया है अनराइप मैंगो सॉर टेस्ट होता है, कुकम्बर, कुकम्बर का कैसा टेस्ट होता है, खीरे की बात कर रहे हैं, खीरे का टेस्ट मिडस ना तो सोर होता है ना तो बिटर होता है। खीरा थोड़ा सा स्वीट टेस्ट देता है, मेरे हिसाब से स्वीट टेस्ट होता है उसका, है ना, मीठापन होता है ना उसमें, खीरे में मीठापन होता है, शुगर की जो कंपोनेंट है वो अधिकता में होती है उसमें, ठीक है, इसलिए उसमें मीठापन होता है। Yes, sir. Now, please come to the point. You find that some of these substances test sour, some test bitter, some test sweet, and some test salty. आपने यहाँ पे पाया कि इसमें से जितने भी substances की बात इन्होंने की थी, उसमें से कुछ के test sour हैं, मतलब कुछ खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, और कुछ के test मीठे, यानी कुछ मीठा test होता है, और कुछ के salty means नमकीन test होते हैं, होता है कि नहीं होता है? आपने जितने भी सब्सटेंसेस yes, की बात किया है, इसमें ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस इन्होंने बताया जिसमें इनके टेस्ट खट्टे होते हैं, मतलब सोर टेस्ट होता है, और कुछ के बिटर एंड कुछ मीठे भी होते हैं और कुछ साल्टी भी होते हैं, ठीक है, नमकीन टेस्ट देते हैं। ना यहीं से बेटा इनके टेस्ट पे के बेस पे ही एसिड्स एंड बेसिस की बात की गई है। एसिड्स मीन्स होता है अम्ल, बेस मीन्स होता है क्षार, ठीक है। अब बात आती है कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर, टेस्ट सोर, सॉरी बेटा इसमें विनेगर की बात मैंने किया था, शायद वहां पे थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, विनेगर का भी टेस्ट सोर ही होता है, खट्टा ही होता है। ओके यस सर। यस सर। इन सब के टेस्ट की बात की इन्होंने, दही, लेमन जूस मीन्स नींबू का रस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर, टेस्ट सोर, इन सब के टेस्ट कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन्स एसिड्स, इन सब के टेस्ट जो है स्वाद खट्टे होते हैं स्वाद में, क्यों होते हैं ऐसा, क्योंकि ये क्या कंटेन करते हैं, एक प्रकार का कंपोनेंट कंटेन करते हैं जिसे एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिड। ये पदार्थ की बात की गई, सभी में एसिड यानी अम्ल पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है। इनके स्वाद में कैसे होते हैं, ये खट्टे होते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक, और ऐसे पदार्थों की जिनकी बात की गई है, इनका जो केमिकल नेचर होता है, रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, एसिडिक होती है, एसिडिक मीन्स अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये खट्टे होते हैं तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अभी एसिड के और भी नेचर्स के बारे में आप जानेंगे। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसियर व्हिच मींस सोर, बेटा एसिड जो वर्ड आया है इसको लैटिन वर्ड एसियर से लिया गया है, जिसका मतलब ही होता है खट्टा। लैटिन वर्ड एसियर से इस एसिड वर्ड को लिया गया है, जिसका मतलब होता है खट्टा, इसी कारण एसिड इसको नाम दिया गया है, ठीक है। द एसिड इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स, बेटा कह रहे हैं इन पदार्थों में पाया जाने वाला जो एसिड है वो नेचुरल एसिड्स है, प्राकृतिक अम्ल है ना, बिकॉज इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल एसिड्स को या मैनमेड एसिड्स हैं, यहाँ पे कोई ऐसे एसिड्स का यूज नहीं किया गया है, इनमें पाया जाने वाला एसिड्स है, तो ये कैसे है, नेचुरल एसिड्स के फॉर्म होते हैं। ओके yes,
नाउ स्वाद में ये भी खट्टे थे जो बेकिंग सोडा का आपने टेस्ट किया था, स्वाद में ये भी खट्टा है क्या? नहीं. इफ नॉट व्हाट इज ए टेस्ट? बेटा कह रहे यदि नहीं तो इसका टेस्ट कैसा है, इसका स्वाद में कैसा है? आप बताएंगे सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इट हैज नो एसिड इन इट. करें इसका, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का खट्टेपन का स्वाद नहीं होता है, बेकिंग सोडा की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें एसिड का कोई भी टेक्सचर नहीं है, यानी इसमें एसिड नहीं पाया जा रहा है. ठीक है. इट इज बिटर, सॉरी इट इज बिटर इन टेस्ट. ये स्वाद में कैसा है? बिटर. Bitter means kadwa hai. If you rub its solution between fingers, beta keh raha hai iske solution ko apne haathon mein, yani kiske ghol ko, solution means kya hoga yahan pe? Ghol. Iske ghol ko apne haathon ki ungliyon se ragdiye to kya dekhte hain aap? If you rub its solution between fingers, it feel soapy. Beta बेकिंग सोडा के सोल्यूशन के यानी घोल को अपनी उंगलियों में रगड़ कर देखेंगे तो आप देखेंगे साबुन की तरह झाग देगा. ये भी कैसा? सोपी, यानी चिकना थोड़ा सा महसूस होगा. ठीक है, झाग नहीं देगा बट चिकना तो महसूस होगा. ठीक है, सोपी फील होगा, यानी साबुन जैसे चिकना चिकना फील करता है ऐसे ये भी आपको फील करेगा. ठीक है. जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज व्हिच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस. यस बेटा, कह रहे हैं सामान्य तौर पर ऐसे पदार्थ जो कि टेस्ट में बिटर होते हैं यानी कड़वे होते हैं और सोपी फील करते हैं ऑन टचिंग यानी छूने पर साबुन की तरह फील होते हैं या झाग देते हैं, ऐसे पदार्थों को बेस बोलते हैं, बेसेस बोलते हैं. बेस मीन्स होता है क्षार. क्या होते हैं? क्षार. जो टेस्ट में कड़वे होते हैं और टच करने पे कैसा फील देते हैं? सोपी फील देते हैं, यानी साबुन के जैसा फील देते हैं. ठीक है, जैसा साबुन चिकना चिकना लगता है वैसे ही ये भी इनके जो भी बेसिक आइटम्स होंगे वो भी ऐसा ही फील देंगे ऑन टचिंग. ठीक है. यस सर. The nature of such substances is said to be basic. ऐसे पदार्थों का जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, वो बेसिक होता है. बेसिक मीन्स क्षारीय प्रकृति के होते हैं. ठीक है. Yes, sir. If we cannot test every substances, how do we find its nature? करें बेटा, यदि हम सारे पदार्थों को टेस्ट नहीं कर सकते, सही है, ऐसे बहुत सारे पॉइजनस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनको आप टेस्ट नहीं कर सकते, है ना, हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनको आप टेस्ट नहीं कर सकते, वो हमें हार्म कर सकते हैं. मतलब जहरीले पदार्थ भी कुछ नुकसानदायक पदार्थ होते हैं जिनको टेस्ट करने पे हमें बहुत ज्यादा क्षति हो सकती है. इस कारण हम सारे पदार्थों को तो टेस्ट नहीं कर सकते. तो फिर उन्होंने एक पॉइंट आस्क किया है कि वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंसेस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर. यदि हम सारे पदार्थों को टेस्ट नहीं कर सकते हैं तो हम कैसे इन पदार्थों की प्रकृति को बता सकते हैं, यानी कैसा एसिडिक है या बेसिक है, कैसे हम बता सकते हैं इनके नेचर्स को? बेटा इन्होंने इसके लिए कहा स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. कह रहे हैं एक विशेष प्रकार के पदार्थ का यूज किया जाता है ये जानने के लिए कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय प्रकृति का है. ये जानने के लिए एक विशेष प्रकार के पदार्थ का यूज किया जाता है. वो विशेष प्रकार का पदार्थ है क्या, इसके बारे में जानते हैं. These substances are known as indicators. बेटा इन पदार्थों को इंडिकेटर्स बोलते हैं जो ये बताते हैं कि कोई दूसरा पदार्थ एसिडिक है या बेसिक है, मीन्स अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है. ये जानने के लिए हम जिन पदार्थों का यूज करते हैं उन्हें इंडिकेटर्स बोलते हैं. इंडिकेटर्स मीन्स होता है सूचक. क्या होते हैं? सूचक. ठीक है. Yes, sir. सारे लोग अपने वीडियोस ऑफ करके रखे रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है. चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस.
तो इंडिकेटर्स होते हैं बेटा, सूचक होते हैं, वो क्या होते हैं, जब भी इन्हें किसी सोल्यूशन यानी कि ऐसे सोल्यूशंस में डिप किया जाता है या डाला जाता है, कैसे सोल्यूशन जिनका नेचर बेसिक और एसिडिक हो, जिनका नेचर कैसा हो, बेसिक और एसिडिक हो, तो अपना कलर चेंज कर देते हैं। वो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अपना कलर क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। कब? जब इन्हें किसी एसिडिक और बेसिक नेचर्स वाले घोल में डिप किया जाता है, इनको डुबोया जाता है, तो ये अपना कलर क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। फ्रॉम दैट वी कैन से द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक नेचर। ठीक है, यानी हम उससे बता सकते हैं तब कि जो दिया गया पदार्थ है या लिए हमने जो पदार्थ लिया है वो किस नेचर का है, एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। अब बात आती है, चलिए कैसे जानते हैं इसके बारे में। इन्होंने कहा टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, सॉरी चाइना रोज पेटल्स यानी चाइना रोज की पंखुड़ियां, यानी इसको बोलते हैं गुड़हल ना, चाइना रोज को गुड़हल ही तो बोलते हैं। बेटा कह रहे हैं द इंडिकेटर चेंज द कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। इसमें जो इंडिकेटर्स की बात आती है, कौन कौन से सब्सटेंस को इंडिकेटर एज इंडिकेटर यूज किया जाता है, इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। टर्मरिक मीन्स हल्दी, लिटमस मीन्स बेटा होता है, लिटमस एक प्रकार का घोल होता है जो हरे रंग के घास फूस या पत्तियों से घोल कर बनाया जाता है, वो लिटमस होता है। लिटमस क्या होते हैं, जो हरी पत्तियों को या घास वास को घोल कर बनाया जाता है वो लिटमस होता है। ठीक है, चाइना रोज पेटल्स बात आती है, मतलब गुड़हल की, चाइना रोज पेटल्स मीन्स गुड़हल, इन सब का भी यूज किया जाता है। सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स, ये कुछ नेचुरली अकर होने वाले इंडिकेटर्स हैं, यानी पाए जाने वाले इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, जिनका यूज किया जाता है टू फाइंड द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक दैट वी हैव टेकन। ओके, चलिए बताते हैं कैसे इनका यूज किया जाता है, इसके बारे में भी जानते हैं। डू यू नो नेम ऑफ एसिड फाउंड इन, बेटा कह रहे हैं क्या आप जानते थे जो किस प्रकार का एसिड किस में पाया जाता है, इसके बारे में जानते थे? चलिए नहीं जानते हैं तो इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, इन्होंने दिया भी है इसको। बेटा नेम ऑफ एसिड, यहाँ पे कॉलम में नेम ऑफ एसिड गिवन है और सेकेंड कॉलम में गिवन है फाउंड इन, किस में ये पाया जाता है, इस टाइप के एसिड किन पदार्थों में पाए जाते हैं, यहाँ पे दिए गए उनके नेम। एसिटिक एसिड, बेटा एसिटिक एसिड एक प्रकार का एसिड है जो विनेगर में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, विनेगर सिरके में पाया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर्मिक एसिड, आंट्स स्टिंग, बेटा चींटियां जब काटती हैं तो वो भी उनमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कलबलाहट या चुनचुनाहट की फील होती है। ठीक है, उनके एसिड की वजह से ही काटने पे फॉर्मिक एसिड। नाउ बेटा सिट्रिक एसिड बात आती है, सिट्रिक एसिड ये किसमें, सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंजेस लेमन एटीसी, जितने प्रकार के खट्टे फल होते हैं सब में ये सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जैसे इन्होंने बताया ऑरेंज लेमन एटीसी, यानी जितने खट्टे फल होते हैं इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, चाहे वो संतरा हो या नींबू हो या कुछ और भी हो सकता है। बात आती है लैक्टिक एसिड, ये कर्ड में होता है दही में। ठीक है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है दही में। और ऑक्जेलिक एसिड, ये आपका स्पिनच में पाया जाता है और उसमें टोमेटो में भी पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। बेटा टोमेटो और किसमें, स्पिनच, मतलब पालक टमाटर इन सब में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। जबकि बात आती है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो आमला यानी विटामिन सी बोलते हैं जिसे, एस्कॉर्बिक एसिड इसका साइंटिफिक नेम विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इन्होंने बताया आमला सिट्रस फ्रूट, यानी ये भी खट्टे पदार्थ खट्टे फलों में और आमला में पाया जाता है।
टार्ट्रिक एसिड आपने सुना होगा, टार्ट्रिक यूज करते हैं ना, तो एसिड होता है एक प्रकार का जो टैमारिंड यानी इमली में पाया जाता है, आपने देखा होगा पानी पूरी वाले इमली का यूज करते हैं पानी बनाने के लिए, टार्ट्रिक का यूज करते हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी इमली में तो नेचुरली अकर करता है, एक प्रकार का टार्ट्रिक आता भी है जिसका मतलब जो टार्ट्रिक एसिड फॉर्म करता है, ठीक है। टैमारिंड, मेरी वॉइस प्रॉपर जा रही है ना? वॉइस नहीं आ रही है। ओके okay, बेटा अभी भी क्लियर नहीं हो पा रही है? क्लियर हो रही है। ओके okay. इन्होंने बताया टैट्रिक एसिड की जो बात की है इन्होंने, टैमारिन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोस इटीसी यानी इमली, अंगूर और बेटा क्या होता है कच्चे आम, इन सब में टैट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑल द एसिड मेंशनड अबव द अकर इन नेचर, यहाँ पे कह रहे हैं जितने भी एसिड की बात की गई ऊपर इन सब की, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक, ऑक्जेलिक, एस्कॉर्बिक, टैट्रिक, ये सब नेचुरली अकर करते हैं, ठीक है, सामान्य तौर पे मतलब पाए जाते हैं नेचुरली, ठीक है, इन्हें मैन ने मैट नहीं किया है, कहने का मतलब ये है। बट नाउ सम ऑफ द बेस हियर एंड फाउंड इन, बेटा नेम ऑफ द बेस यहाँ पे गिवन है और किसमें पाए जाते हैं ये भी बताया गया है, इन बेसिस की बात भी किया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH3, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH3, ओके, ये लाइम वाटर मतलब चूना पानी में पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का बेस होता है, सॉरी लाइम वाटर में इस प्रकार का बेस पाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूना पानी में पाया जाता है, ठीक है। बात आती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर, विंडो क्लीनर मीन्स जितने भी सोपी आइटम्स होते हैं यानी कि धुलने उलने के लिए फर्श वर्श को धुलने के लिए या और भी टाइप्स के जो भी फर्श मतलब कहीं भी क्लीनिंग एज ए क्लीनिंग सब्सटेंस यूज किया जाता है वो आपका विंडो क्लीनर यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम वही बात है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेटा सोप, साबुन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, साबुन जितने भी प्रकार के साबुन है सब में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है, ये प्रकार का बेस होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम के दूध में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये आप लोग और अधिक इसके बारे में जानेंगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल, ठीक है। yes, देखिए नाउ 5.2 नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, हमारे आसपास के जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो क्या है उनके बारे में जानते हैं। लिटमस अनेचुरल डाई, कह रहे नेचुरल डाई एक प्रकार का प्राकृतिक रंग होता है, देखिए कैसे क्या होता है इसके बारे में। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, कह रहे सामान्य तौर पर ज्यादातर जो यूज किया जाने वाला इंडिकेटर है वो क्या है, लिटमस है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीसेंस, बेटा ये किससे निकाला जाता है, लीसेंस मीन्स होता है जो जितने भी, लीसेंस मीन्स एग्जैक्टली क्या होता है, दलहन से संबंधित होता है ना, दलहन से ही संबंधित जितने प्रकार के दलहन की मतलब फसलें होती हैं, क्यों करेक्ट है ना, लीसेंस मीन्स दलहन ही होता है साथ। चलिए ठीक है देख लेते हैं इसको, जितने प्रकार के दलहन के आइटम होते हैं सॉरी फसल होती है वहां से मतलब उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनसे ही फॉर्म किया जाता है लिटमस। इट हैज अ, मेरी वॉइस प्रॉपर जा रही है ना? यस सर। ओके बड़े कह रहे हैं इट हैज अ मॉब पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर,
यानी अगर किसी पानी में इनको घोला जाता है तो इसमें कलर कैसा आता है, पर्पल, यानी पर्पल कलर देते हैं, ठीक है। अगर इनको पानी में घोला जाए तो ये पर्पल कलर के होते हैं। When added to an acidic solution, बेटा ये जब किसी एसिडिक सोल्यूशन में इनको ऐड किया जाता है, डाला जाता है, इट टर्न्स रेड, एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सोल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। यस करें, वैसे जनरल इनका जो कलर होता है पर्पल होता है, इनका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर के होते हैं, लेकिन जब किसी एसिडिक नेचर के सोल्यूशन में इनको डाला जाता है तो ये किस में, अगर सोल्यूशन एसिडिक नेचर का है तो वो रेड कलर में टर्न हो जाते हैं, अगर वो सोल्यूशन बेसिक नेचर का है तो ये ब्लू कलर में टर्न हो जाएंगे। इससे पता चल जाता है कि जो लिया गया सब्सटेंस है या सोल्यूशन है वो किस नेचर का है, एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। इस प्रकार से इस लिटमस के थ्रू ये पता चल जाता है कि जो सोल्यूशन है वो किस नेचर का है, एसिडिक और बेसिक, ठीक है। करें, इट टर्न्स ब्लू, इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। इसको दोनों तरीके से यूज किया जाता है, इस एज अ सॉल्यूशन भी यूज किया जाता है, इसका घोल भी बनाया जा सकता है, और इसको स्ट्रिप ऑफ पेपर, स्ट्रिप ऑफ पेपर कैसे बनाते हैं, इसका कोई पेपर की स्ट्रिप ले लेते हैं और इस लिटमस के घोल में इसको डुबो कर उस पेपर स्ट्रिप को, ठीक है, सुखा देते हैं धूप में, तो वो क्या हो जाता है, लिटमस पेपर बन जाता है, वो जो पेपर फॉर्म होता है लिटमस पेपर कहलाता है, ठीक है। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। बेटा कह रहे हैं जनरली जो उपलब्ध होता है लिटमस पेपर रेड एंड ब्लू कलर में ही पाया जाता है, ठीक है। ये जो शो किया है रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। दलहन नहीं होता बेटा, इसमें तिलहन से संबंधित होता है ये। इसका प्लांट गिवन है लीचेंस का, लीचेंस मीन्स एग्जैक्टली थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसका मीनिंग, अभी कंफर्म नहीं है, देख लेना आप लोग, ठीक है। नाउ बेटा बुझो, बुझो की बात आती है, बुझो कुछ कहना चाह रहे हैं। Can I test all substances to find their test? करें सभी substances के test जानने के लिए हमें उन्हें test ही करना पड़ता है? मतलब can I, sorry, कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने बताया ना कुछ substances क्या होते हैं, toxic होते हैं, मतलब जहरीले भी होते हैं, जिनको test करना आपके लिए harmful हो जाएगा, ठीक है। तो आप सारे पदार्थों को test नहीं कर सकते हैं। No, have you not read the question? तो पहले ने उनको समझाया बुझो को कि आपने सावधानियां पढ़ी नहीं हुआ ऊपर कि सारे पदार्थों को हमें टेस्ट नहीं करना है। वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस, ऐसे किसी भी पदार्थ को टेस्ट नहीं करना है जिनके बारे में हम जानते नहीं है। दे कुड हार्म अस, ये हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डे, और अभी अभी टाइम नहीं रह गया है, ओनली टू टू थ्री मिनट्स रह गए हैं, ठीक है। ये बताइए जो डिस्कस किया गया इसको, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? एक पॉइंट आपका ये रह गया है लीचेंस, इसको क्लियर कर लेना, इसकी मीनिंग थोड़ा क्लियर नहीं है, बाकी आपको जितने भी पॉइंट डिस्कस किए गए इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके गुड बेटा, अच्छा प्रेजेंट करते हो। देखिए एक्टिविटी नेक्स्ट डे आपको हम एक्टिविटी आपको बताते हैं कैसे किया गया है। यहाँ पे मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस, ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लेना। और एक चीज, चैप्टर नंबर 4 का आपने होमवर्क सेंड किया है करके, जितना भी करना था उसमें। ओके बेटा, कुछ लोगों ने नहीं किया है, मतलब कुछ लोग क्या, कुछ लोगों ने ही किया है बाकी लोगों ने नहीं किया, ये अच्छी बात नहीं। सारे लोग सेंड कीजिए, ये अपने लिए कर रहे हैं बेटा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, जितना आप करोगे आपके लिए ही सही रहेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अभी 2 मिनट्स का टाइम है तो इसके लिए हम एक्टिविटी को रीड कर लेते हैं, ठीक है। मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप टम्बलर टेस्ट ट्यूब। कह रहे हैं कुछ, मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस यानी कुछ पानी में नींबू जूस, नींबू का रस मिलाकर
मिक्स कर दीजिए, चाहे वो प्लास्टिक कप में है, चाहे टम्बलर किसी ग्लास में या किसी भी टेस्ट ट्यूब परख नली में किसी पे मिलाकर आप उसको पानी में थोड़ा सा नींबू का रस मिला दीजिए. पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर. ड्रॉपर के यूज करके, जैसे ड्रॉपर दवा पिलाने के लिए बच्चों को पिलाने के लिए यूज किया जाता है, उसी प्रकार का कोई ड्रॉपर आप यूज करके रेड लिटमस पेपर पे कुछ बूंदे उस पर गिराइए उस नींबू पानी का. Is there any change in color? Yes, change आएगा कलर में. ठीक है? Yes, sir. Repeat the same exercise with the blue litmus paper. करें बेटा, नहीं रेड कलर में कोई प्रकार किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, बिकॉज वो रेड कलर में ही कन्वर्ट होता है. ठीक है? एसिडिक नेचर जो करता है उसको रेड कलर में ही कन्वर्ट करेगा, तो उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा रेड लिटमस पेपर पे. जब लेकिन जब ब्लू लिटमस पेपर का यूज करेंगे तो उसमें रेड कलर में चेंज कर देगा उसको. ब्लू लिटमस पेपर को कैसे चेंज करेगा? रेड कलर में. ठीक है? उन्होंने कहा रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर, नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर, परफॉर्म सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस. बेटा ऐसे तमाम सारे सब्सटेंसेस की बात क्या है, सबके साथ इस एक्टिविटी को आपको करना है सारे पदार्थों को ले लेकर. ठीक है? तो इस एक्टिविटी को आप एट होम कर सकते हैं. ठीक है? घर पे देख सकते हैं. यस सर. ये स्ट्रिप ऑफ पेपर आप बना सकते हो, एक को रेड कलर से एक को ब्लू कलर से कलर करके चेक कर सकते हैं. ठीक है? उनके कलर में कोई चेंज आता है कि नहीं आता आप देख सकते हो. चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम मीट करते हैं आप लोगों से. गुड बाय एवरीवन. गुड बाय सर. बाय बेटा. गुड बाय सर. नहीं होगा अंदर से, उसकी बढ़ा रही है ये अंदर था.